कि आप अपने ज़िंदगी में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आप अपने लाइफ में क्यों नहीं ग्रो कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रहे हो, उसके पीछे सिर्फ दो कारण हैं। उन्हीं दो कारणों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने ज़िंदगी में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आप अपने लाइफ में क्यों नहीं ग्रो कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रहे हो, उसके पीछे सिर्फ दो कारण हैं। उन्हीं दो कारणों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो ना कमाल की होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि अपने लाइफ में नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, हम अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम कुछ बड़ा करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे ना सिर्फ दो कारण हैं। पहला कारण कि आप ना हर एक इंसान को जवाब देते फिरते हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपका सारा एनर्जी तो जवाब देने में ख़त्म हो जा रहा है ना। कोई इंसान कुछ बोल दे रहा है, कुछ कह दे रहा है आपके बारे में, भला बुरा है ना, निगेटिव, आप उस इंसान को ना क्लेरिफाई करने लग रहे हो। कोई इंसान आप पे शक कर रहा है, उसको सफाई दे रहे हो। आपको कोई बोला अरे तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है, उसको सफाई देने लगे, नहीं नहीं ऐसा मत समझना, तुम गलत समझ रहे हो, हम तो वैसे नहीं है। नहीं भाई, हम वैसे ही हैं, तू जो समझ रहा है, तू जो समझ रही है वैसे ही है, बात खत्म। किसी भी इंसान को जब आप जवाब देने में लग जाते हो तो आपका एनर्जी और टाइम दोनों वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। और उस एनर्जी और टाइम को अगर आप अपने सपना में है ना, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लगाते ना, है ना, कुछ अच्छा करने में लगाते ना, अपने स्टडी पे, अपने जॉब पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते। लेकिन आप तो सबको जवाब देते फिर रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है यार। हर किसी को जवाब देना नहीं चाहिए, याद रखना, क्योंकि इसमें ना आपका एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होता है, जो ना आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा है, आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं करने दे रहा है यार। इसलिए जवाब देना ना हर किसी को बंद करो, वक्त पे छोड़ दो, क्योंकि वक्त जब जवाब देता है ना तो सामने वाला इंसान का ना आह निकल जाता है ना, वो इंसान ना फिर कुछ बोलने लायक नहीं रहता है। इसलिए वक्त को जवाब देने दो, अपना वक्त को लाओ। और दूसरा पॉइंट है ना कि हर किसी को समझाना, ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। हर किसी को एडवाइस देते फिरते हो, हर किसी को समझाते चल रहे हो, है ना, हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो। कोई इंसान आपसे जब तक कुछ नहीं पूछ रहा है ना भाई, अगर वो इंसान जहर भी खा रहा है तो खाने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते यार, है ना। ये बात आप याद रखना, एवरेज मेंटालिटी का जो इंसान है, जो सामान्य दिमाग का इंसान है, वही सबको समझाते फिरता है। बाकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड के लोग हैं, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है यार कि दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको कुछ भी समझा दो, कुछ भी कह दो, कितना भी अच्छा बात बोल दो, कितना भी अच्छा चीज समझा दो, वो नहीं सुनेगा, नहीं करेगा। उसको वही करना है जो वो अपने माइंड में डिसाइड किया है, वही करेगा, वही करेगी। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई दोस्त हो, आपका यार हो, कोई फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार, दुनिया का कोई भी इंसान, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड भी, यहाँ तक उसको वही करना है जो उसको पसंद है, वो वही करेगा जो वो करना चाहता है, चाहती है। आप अपना खून क्यों जला रहे हो, अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई दूसरे को समझाने में? मत समझाओ। जब तक कोई इंसान आपसे कुछ आके पूछे नहीं, जब तक आपसे कोई इंसान आके एडवाइस नहीं मांगे, तब तक आपको उस इंसान को कुछ नहीं समझाना चाहिए, कुछ नहीं बताना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो टाइम उसको समझाने में आप लगाते, एनर्जी लगाते, उसको आप अपने काम पे लगाओ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखना, इससे ना आप आगे ग्रो कर जाओगे, क्योंकि वैसे भी आप किसी को समझा के देख लो, है ना, देखे भी होगे लाइफ में, वो तो करता नहीं है, करती नहीं है, उसको वही करना है जो उसको पसंद है, या जो करने के लिए माइंड सेट अपना बना लिया है, तो आप क्यों समझाते फिर रहे हो? मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ना, हर किसी को ज्ञान देते चल रहे हैं, एडवाइस देते चल रहे हैं, ऐसे मत करो, ये मत करो, ये गलत है। बहुत सारे लड़की लोग को एडवाइस दे रहे हैं, लड़का लोग को एडवाइस दे रहे हैं, है ना, क्या ज़रूरी है भाई, है ना, थक तो गए ना आप। क्या वो इंसान के अंदर कोई चेंजिंग आया? जिस इंसान को कुछ सीखना है, आपसे एडवाइस चाहिए, है ना, वो इंसान आपके पास खुद चल के आएगा, खुद आपसे एडवाइस मांगेगा, आपसे पूछेगा, आपसे सवाल करेगा, वो इंसान जेन्युइन है, वो इंसान आपसे कुछ सीखना चाहता है। अब जो नई सवाल कर रहा है, उसको आपसे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एडवाइस नहीं चाहिए। मत दो ऐसे लोगों को एडवाइस, ये सारा समय, सारा टाइम सिर्फ अपने आप को दो यार। आप बेटर बन जाओगे ना, वही काफ़ी है। पहले आप कुछ अपने लाइफ में बड़ा करो, फिर दूसरों को ज्ञान देना, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो चलेगी, वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना, इस वीडियो को शेयर करें, जितने आपके दोस्त यार फ्रेंड हुए उनको ये वीडियो जरूर दिखाओ, और ये वीडियो को ना हर एक ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह शेयर करो यार। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जब आप शेयर करते हो ना, तो आपको ना लोग अच्छा समझते हैं, आपका इमेज एक अच्छा बनता है, क्योंकि आप किसी को ना अच्छा पॉजिटिव चीज़ शेयर कर रहे हो, जिससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये वीडियो को जरूर शेयर करो, ठीक है। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जिसको फेस करो, तो मेरे चैनल पर हर एक टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है, जाओ और आप उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो फिर आज लेते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।